गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एल्केन्स मीन्स एल्केन्स में हम एक नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे, या हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल को हम स्टडी करेंगे कि हम एल्कोहल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं एल्केन्स से। हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन डिफरेंट मेथड्स हमारे पास इसलिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं। कुछ जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे मैं एल्कीन से एल्कोहल अगर फॉर्म कर रहा हूँ और मैं सिंपल हाइड्रोलिसिस से रिएक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ, सो मीन्स वहाँ पे जो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूँ तो कई बार वो रिएजेंट क्या करते हैं कि हमारे जो हमारे पास कोई अगर मॉलिक्यूल है उसमें कोई दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एल्कीन्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप की हम कह सकते हैं कि अल्कोहल फॉर्मेशन या हर एक जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शन अवेलेबल होती है। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू पॉसिबल होती है। सो जो आज हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दो रिएक्शन है, एक हाइड्रोबोरेशन एंड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हम इसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। मैंने एक पीछे टॉपिक आपको कराया था इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में, मैंने H2SO4 के साथ एडिशन ऑफ H2SO4 टू एल्कीन्स में भी मैंने एल्कोहल की फॉर्मेशन की थी, वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स स्टडी किया था। और रिएक्शन आप जब जिससे मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर है आई थिंक 1.17 है, जब आप उसको देखोगे तो आपको उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है HC Brown, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी और उन्होंने वो रिएक्शन दी थी प्रोविडे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी USA में। और इनको इसी रिएक्शन के बेसिस पे इनको 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला था, इनको 1979 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास ये ऑर्गेनो बोरेन, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बोरेन भी है, तो ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड पे, ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड रिसर्च, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। ठीक है, सो जो आज हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हुए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HC Brown ने ये रिएक्शन दी थी प्रोविडे यूनिवर्सिटी USA में, जब वो वर्किंग में थे रिसर्च एज ए रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने इस रिएक्शन को वहां पे दिया था। और जो रिएक्शन इसी रिएक्शन के लिए इनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला था, ऑर्गोब्रेन जो ऑर्गेनो ब्रेन कंपाउंड है उन पे रिसर्च के लिए। जो मैं पहले एक बार आपको रिएक्शन बता देता हूँ कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है क्या। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एल्कीन है, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड, मैं सिंपलेस्ट एल्कीन ले रहा हूँ यहाँ पे, हम उसको BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं, BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन। इथीन हमारे पास मॉलिक्यूल है तो मैं क्या कहता हूँ ट्राईथाइल बोरेन हमारे पास यहाँ बनेगा, और इसमें यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, उन सबको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं कैसे क्या होता है। सो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 थ्राइस बी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, कि जो मेरे पास एल्कीन है BH3 के साथ मैंने उसकी रिएक्शन की और यहाँ पे उसका हाइड्रोबोरेशन हो गया, तो हम इसको बोलते हैं ट्राईथाइल बोरेन। जो हमारे पास ट्राईथाइल बोरेन हुआ उसको हम करते हैं फिर से हम उसका करते हैं ऑक्सीडेशन, और उसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं अल्कलाइन मीडियम लेते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का, उसके साथ मैं लिख रहा हूं NaOH, और उसके बाद हमारे पास बनता है ट्राई अल्कोक्सी बोरेन। हम यहां पे करेंगे ट्राईथोक्सी बोरेन, मेरे पास यहां पे फॉर्म होगा CH3 CH2 ऑक्सीजन थ्राइस बी, इसको हम बोलेंगे ट्राई इथोक्सी बोरेन।
और जो हमारे पास ट्राईथोक्सीबुरेन है इसकी हम करते हैं फिर हाइड्रोलिसिस, और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल बनता है और इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। सो ये हमारे पास सारी प्रोसेस है, दिस वन इज इथीन, ये हमारे पास क्या बोरेन, और जो हम ये बोरेन यूज कर रहे हैं ये है मोनोमर ऑफ डाइब्रेन। डाइब्रेन क्या होता है हमारे पास B2H6, जो बोरेन होता है हमारे पास डाइब्रेन होता है वो होता है B2H6, और B2H6 को हम फॉर्म करते हैं BF3 को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। B2H6 टॉक्सिक गैस होती है, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को BF3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास डाइब्रेन बनता है B2H6। जब NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड को ट्राईक्लोरोबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे BF3 के साथ तो हमारे पास बनता है B2H6। सो अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास होती क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, डाइबोरेन, डाइबोरेन एज ए मोनोमर, क्योंकि जो हमारे पास B2H6 से ये क्या है डाइबोरेन है, इसको हम लिख सकते हैं डाइब्रेन, डाइब्रेन एज ए मोनोमर BH3 एड्स टू एल्कीन, एल्कीन में ऐड करता है, एल्कीन में ऐड होता है एंड फॉर्म द ट्राई अल्कोक्सी बोरेन। मैंने एल्कीन की बात की है क्योंकि एल्कीन की बात किया तो मैं अल्कोक्सी वर्ड यूज करूंगा, ट्राई अल्कोक्सी बोरेन, अगर इथीन है तो ट्राईथाइल बोरेन, प्रोपीन है तो ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन। सो अकॉर्डिंग टू जैसा भी मैं अपना रिएक्टेंट यूज करूंगा उसके बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन है सबसे पहले प्रोसीड होगी हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगी जो फर्स्ट स्टेप होगा, हाइड्रोबोरेशन बनेगा मेरे पास ट्राईथाइल बोरेन बना, यहाँ पे ट्राईथाइल बोरेन बना, और जो एडिशन ऑफ BH3 बोरेन टू इथीन होता है वो होता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो होता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे होता है सब कुछ, प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सो सबसे हम पहले जो बेसिक यूज कर रहे हैं उसमें क्या है कि डाइब्रेन एड्स टू एल्कीन एज बोरेन टू फॉर्म ट्राई अल्कोक्सी बोरेन, और इसमें क्या होता है कि जो बोरेन के पास जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ईच ऑफ द बोरोन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द एल्कीन मोलिक्यूल, जिसके पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने ही उसके पास जो एल्कीन मॉलिक्यूल है वो उसके आके रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन एटम्स थे तो तीन मॉलिक्यूल एल्कीन के आके उन्होंने उसके यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अभी हम ये हो गया हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, और हाइड्रोबोरेशन के बाद हम करते हैं ऑक्सीडेशन, और ये हमें जब हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ NaOH हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन परोक्साइड आयन, ये क्या हाइड्रोजन परोक्साइड, और ये हमारे पास होता है हाइड्रोजन परोक्साइड आयन। जो हाइड्रोजन परोक्साइड आयन होता है वो ट्राईथाइल बोरेन के साथ रिएक्शन करके ट्राई इथोक्सी बोरेन बनाता है, या ट्राई अल्कोक्सी ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पर सॉरी एन है, ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन करके ट्राई अल्कोक्सी बोरेन बनाता है, और जब हम ट्राई अल्कोक्सी बोरेन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इथेनॉल हमें वहां पे मिल जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होता है सिंपली वाटर ऐड करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या है कि हमने कोई दूसरा मेथड यूज किया, जैसे हमने H2SO4 का एडिशन किया था एल्कीन में तो वहां पे हमारे पास क्या बना था, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी, तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, दिस वन इज ऑल्सो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। और डायरेक्ट हाइड्रेशन में हम डायरेक्टली एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, और जब हम डायरेक्ट एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तब भी हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो ये आपको समझ में आ गया बेसिक क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे प्रोसीड होता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे
बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसका बहुत सी वाइड एप्लीकेशन है। अगर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करेंगे उसमें भी, और वैसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बहुत सा मतलब बहुत बार पूछा गया है। सो मैं एक बार सबसे पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्शन होती क्या है, किस तरह से होती है। जैसे मैं बात करूँ, मैं कोई दूसरा रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, CH3CH CH2+ BH3। सो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2CH2BH2, उसके बाद अगेन CH3CH CH2, और हमें क्या मिलेगा, CH3CH2CH2BCH2CH2CH3, हाइड्रोजन। अगेन एल्कीन मॉलिक्यूल उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और एल्कीन मेरे पास क्या है, प्रोपीन। सो मुझे मिलेगा क्या, CH3CH2CH2 थ्राइस B। ये मेरे पास होगा ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, बात हम करते हैं यहाँ पे, हम इसकी मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये मेरे पास प्रोपीन है और ये मेरे पास डाइब्रेन का मोनोमर है BH3 बोरेन। बोरोन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है। बोरेन के पास कितने हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन की वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कहाँ से करेगा, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करेगा। सो बोरेन यहाँ पे किस तरह से एक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्ट करता है। बोरोन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मेरे पास जो प्रोपीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। वो क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है। सो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो यहां पे बी एफ बोरोन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और ये जो एल्कीन है वो कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वो यहां पे एक्ट करेगा। जो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे अलग, कुछ आपने रिएक्शन देखी होगी कहीं जगह, क्या होता है, जो हमारे पास एल्कीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो बोरेन है वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सो ये हमारे पास रिएक्शन किस तरह की होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये क्या रिएक्शन है, रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मेरे पास एल्कीन मॉलिक्यूल है, पहले मैं आप आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि थ्योरेटिकली होता क्या है। बोरोन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। बोरोन क्या करता है, जब एल्कीन मॉलिक्यूल बोरोन के कंटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मीन्स एक पे इलेक्ट्रॉन, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो बोरेन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वहां पे क्या करता है, उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बोरेन पे ट्रांसफर होती है तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बोरोन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कार्बन डबल कार्बन के साथ बोरेन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो बोरेन ने यूज कर ली, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे पार्सली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो
फोर मेंबर ट्रांजिट स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है, यहाँ पे ना कोई कार्बोकैटायन बनता ना कोई कार्बन आयन बनता, मींस ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड नहीं होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है। ये हो गया इसमें, और इसमें बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें एक और चीज है कि जो बोरेन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जो बोरेन में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्राइड आयन के थ्रू इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, और जो बोरोन पे मीन्स के पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे अटैक होगा, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। सो हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया एक बार मैं उसको आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा देता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू कि वो कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3, इसके बीच में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी, CH3CH CH2 बोरोन हाइड्रोजन। जब BH3 एल्कीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, मैं इसको वैसे दिखा रहा हूँ रफली, आप इसको आप लिखो हिम्मत, आप इसको डायरेक्ट नोट कर लोगे जो एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बोरोन पे अटैक करेगी। बोरोन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोरोन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो पार्शली रहेगा। बोरोन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डबल बोर कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो बोरेन पे ट्रांसफर होगी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, CH3CH इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पे क्या होता है बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से बोरोन कितने बनाएगा, मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाएगा बोरोन, और इसने भी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना दिया। तो उस केस में क्या होता है कि जो बोरेन के पास हाइड्रोजन है वो एज ए हाइड्रोड आयन पॉजिटिव चार्ज पे ट्रांसफर हो जाता है, ये पॉजिटिव जो कार्बन सेंटर है उस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH2BH2। इसको बोलते हैं हम फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये होती है हमारे पास फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। इस बॉन्ड को भी आप पार्शली दिखा दो क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट का डिस्कशन कर रहे हैं, ये बॉन्ड यहां पे पार्शली फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, जो फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद अगेन मेरे पास मैं डायरेक्ट टू मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूं, यहां पे टू CH3CH डबल बॉन्ड CH2, टू अल्किन मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे बनाएंगे क्या, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन या ट्राई अल्कोक्सी बोरेन। सो मेरे पास यहां पे बनेगा CH3CH2CH2 थ्राइस बोरेन, ये मेरे पास यहां पे फाइनली मॉलिक्यूल बन जाता है। जब फर्दर दो मॉलिक्यूल और इसमें ऐड होते हैं सो मेरे पास यहां पे बन जाता है। अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि जो मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है BH3 जन अटैकिंग रिएजेंट, और उसमें क्या है कि हाइड्रोजन और BH2 है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, बोरोन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल, आपको ध्यान रखना है कि बोरोन वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है। सो इसमें जो हाइड्रोजन जाता है वो एज ए हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे गया है, पॉजिटिव चार्ज पे गया तो मीन्स हाइड्रोजन क्या गया, एच नेगेटिव की फॉर्म में वहां पे वो ट्रांसफर हुआ है, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में वहां पे ट्रांसफर हुआ है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एडिशन ऑफ BH3 बोरेन है एल्कीन में वो हमेशा मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। सो एडिशन ऑफ बोरेन टू एल्कीन अकर्स थ्रो मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिजेंट का वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम,
सो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन किस पे गया, जिसपे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एक रीजन तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पार्ट अगर मैं बात करूं, जब बी एच थ्री बोरेन एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे हो क्या रहा है कि उसने उसके साथ रिएक्शन की, तो उससे जो एडजेसेंट कार्बन है उससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। उस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है मीन्स इसको कोई ना कोई, जो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसको वहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, सी एच थ्री मोलिकूल है। मिथाइल क्या करेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ क्योंकि इसका क्या प्लस आई इफेक्ट है, और ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इसको यहाँ पे बैलेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज होती है। सपोज करो कि जो बोरेन है वो इस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जो मैंने रेड ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज करो कि बी एच थ्री टर्मिनल कार्बन पे ना अटैच होके सेंट्रल कार्बन पे अटैच हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये तो है नहीं कि आपको प्रोपीनी मोलिक्यूल मिलेगा वहाँ पे, आपके पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो डिफरेंट मोलिक्यूल में आपको कैसे ये एनालाइज करना है कि जो रिएक्शन है आपकी वो किस तरह से होगी, हम उसकी बात करते हैं। सी एच थ्री सी एच सी एच टू, सपोज करो जो आपका बोरेन है वो टर्मिनल कार्बन पे ना अटैच होके वो सेंट्रल कार्बन पे हो रहा है, बी एच एच यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, सो तो इस पॉजिटिव चार्ज को तो कोई स्टेबलाइज करेगा ही नहीं। अगर मैं थोड़े टाइम के लिए ये भी मान लूँ कि अगर सेंट्रल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के और क्रिएट हो रहा है, तो ये तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बोकटाइन। लेकिन मैं कार्बोकटाइन का है ना, यहाँ पे एक राइट वे नहीं होगा या करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो इंटर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है, वो कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड नहीं होती। यहाँ पे कम्प्लीटली कार्बोकटाइन नहीं बनता, सिर्फ वो आपको समझाने के लिए था, जो मैंने कार्बोकटाइन वर्ड यूज किया है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आपको कहीं भी कार्बोकटाइन वर्ड यूज नहीं करना जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करते हो। सो ये हो गया हमारे पास, मीन्स कि जो बी एच थ्री मोलिक्यूल है वो हमेशा इस तरह से ऐड होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको कोई ना कोई ग्रुप वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करे। अगर वो उसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो उस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। सो ये हो गया आपको। और दूसरा रीजन मैं ये भी दे सकता हूँ कि जो बी एच थ्री मोलिक्यूल ऐड होगा वो टर्मिनल कार्बन पर ऐड होगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, कि अगर वो सेंट्रल कार्बन पर अटैच होता है तो उसके दोनों साइड क्या स्टीरिक हिंड्रिक ग्रुप है, मिथाइल है, या दूसरी साइड कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल या कुछ भी ग्रुप हो सकता है, वहाँ पर इथाइल भी हो सकता है। सो हमेशा वो टर्मिनल कार्बन पे आके अटैच होगा, बी एच थ्री मोलिक्यूल या जो बोरेन मोलिक्यूल है वो टर्मिनल कार्बन पे आके अटैच होगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे जो स्टेरिक इंडेक्स है वो वहाँ पे कम है। सो जो मैंने आपको ये पार्ट समझाया ये सिर्फ हाइड्रोबोरेशन का समझाया, जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोबोरेशन। हमने वो क्या डिस्कस किया, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन का डिस्कस किया। एक बार आप इसको देख सकते हो कि हाइड्रोबोरेशन में एक्चुअल में होता क्या है। मैंने हर एक छोटे छोटे पार्ट को आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें एक बार देख सकते हो, फिर मुझसे वहां पे पूछ सकते हो कि ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही। ओके, हम बोरेशन की ऑक्सीडेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिएक्शन है मार्कोनी रूल के थ्रू प्रोसीड होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है हाइड्राइड आयन की तरह ट्रांसफर होता है
जो हमारे पास दूसरी रिएक्शंस हैं उनकी तरह नहीं होता कि हम जो मेरे पास, क्योंकि जैसे हमारे पास HCl होता है, एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसमें अनायन और कटायन दोनों पार्ट क्लियरली होते हैं क्योंकि रिएक्शन वहाँ पे इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है, तो कम्प्लीटली ब्रेकेज नहीं होता, पार्सली चार्ज डेवलप होता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। सो इसके बाद हम जो मैंने आपको बोरेस उसका बताया था, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को अल्कलाइन मीडियम में यूज करते हैं रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। सो जो हमारे पास ट्राई अल्कोक्सी बोरेन यहाँ पे बनता है उसी को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास कैसे प्रोसीड होगी, और वही हमारे पास वहां पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन के साथ साथ है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले तो हमारे पास क्या था, CH3, CH2, CH2 थ्राइस बोरेन प्लस, हमने क्या यूज किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ NaOH यूज किया। सो हमारे पास बनता क्या है, जब हम NaOH यूज करते हैं तो हम यहीं पे इसकी हाइड्रोलिसिस, अगर हम हाइड्रोलिसिस दिखाना चाहें हम वो दिखा भी सकते हैं, तो वरना तो हमारे पास यहाँ पे बनता क्या है, हमारे पास बनता है CH3, CH2 ऑक्सीजन थ्राइस बी, हमारे पास यहाँ पे बना है, ये है हमारे पास ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन एंड दिस वन इज ट्राई प्रोपोक्सी सॉरी बोरेन। अब जब हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करेगा, जब हम NaOH के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, बेस क्या करता है, एच पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर और ये इधर। सो हमारे पास निकलेगा क्या, प्लस सॉरी वाटर H2O, और इसको मैं लिख सकता हूं इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन है वो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन के साथ रिएक्शन करके ट्राई प्रोपोक्सी बोरेन बनाता है, ट्राई एन प्रोपोक्सी भी हम बोल सकते हैं, वो उसके साथ बनाता है ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन। यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, बोरेन आपको पता है बोरेन कैसी मेटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, बोरेन कैसी मेटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है। सो बोरे जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियो फाइल की तरह एक्ट करेगा, और बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज, बोरोन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे एक्चुअल में। सो मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, CH3, CH2, बोरेन, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल के हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज, ये यहां पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बोरोन पे इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया। सो हमारे पास बनेगा क्या, CH3, CH2, CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बोरोन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था, जो अनसेड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो उसने क्या की, बोरोन को ट्रांसफर कर दी, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, 1,2 प्रोपाइल शिफ्ट होगा 1,2,
जो प्रोपाइल ग्रुप है ये वन से सेकंड कार्बन पे शिफ्ट होगा, सॉरी वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट होगा। सो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, हम इसको दिखाएंगे यहां पे। सो हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2, बोरोन ओ CH2 CH2 CH3, और साथ में एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 CH2 CH3। अगेन अब क्या है कि जो रिएक्शन मीडियम में है ये तो बहुत सारे हैं, ये तो मेरे पास क्या बहुत सारे हैं, ये अगेन बोरेन के साथ रिएक्शन करेगा, जब तक पॉसिबल है तब तक रिएक्शन उसके साथ करता रहेगा। एच ओ ओ नेगेटिव, सो अगेन बोरेन पे रिएक्शन करेगा। सो हमारे पास बनेगा क्या, अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिख ही रहा होगा। सो यहाँ पे बनेगा CH3, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, CH2 CH2, बोरोन, यहाँ पे क्या बनेगा ओ CH2 CH2 CH3। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH2 CH3। उसके बाद अगेन 1-2 प्रोपाइल शिफ्ट होगी, ये यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ से बाहर। सो मैं इसको मुझे सॉरी मुझे इसको रब करना पड़ेगा, मैं इसको अगर अपर की साइड लिखता हूँ, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिज्म आपको दिखना ज़रूरी है। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसे अपवर्ड एरो लिख के दिखा रहा हूँ, ओके। सो मेरे पास बना CH3 CH2 CH2, बोरेन ओ CH2 CH2 CH3, ओ CH2 CH2 CH3, ओके। प्लस अगेन वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, और मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ OH O CH2 CH2 CH3। अब होगा क्या, अगेन ये इधर ट्रांसफर करेगा, ये इधर मैं फाइनल मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब डायरेक्ट ट्राई प्रोपोक्सी बोरेन। सो वो क्या है CH3 CH2 CH2, ऑक्सीजन और थ्राइस बी, तीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे मेरे पास, एक ये रहा एक ये रहा और एक यहाँ पे आ जाएगा। सो मेरे पास ये जो यहाँ पे बना है इसको हम बोलते हैं ट्राई प्रोपोक्सी बोरेन, इसको हम क्या बोलते हैं ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम में, उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ, हाइड्रोजन परोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, HOO नेगेटिव प्लस वाटर यहाँ पे निकलेगा, हाइड्रोजन परोक्साइड आयन बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जो मेरे पास बोरेन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, सो दिस वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद यहाँ पे 1-2 प्रोपोक्सी शिफ्ट होगी, 1-2 प्रोपाइल शिफ्ट होगी, जो प्रोपाइल ग्रुप है मिथ हित प्रोप प्रोपाइल ग्रुप है वो 1 पोजीशन से 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब वो 1-2 पे शिफ्ट होगा तो वहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा और OH ग्रुप वहाँ से लीव कर जाएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, सेम 1-2 शिफ्ट होगी, अगेन सेम रिएक्शन होगी, 1-2 शिफ्ट होगी, और फाइनली मेरे पास बन जाएगा ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन। मैं इसको यहाँ पे नेमिंग भी लिख देता हूँ आपकी
सहूलियत के लिए ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन, ये मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा। एक बार आप इसका मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि जो बोरेशन के बाद, हाइड्रोबोरेशन के बाद जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म की यहाँ पे एक अलग इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन की भी एक हाईली इंपॉर्टेंस, रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर कहीं रिएक्शन करते हो या आप किसी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हो। सो इसके बाद होता क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, अब हमें इसकी क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस करानी है। जो हमारे पास ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन है उसको हम NaOH के 3 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास वहाँ पे बनता क्या है, अभी हम देखते हैं क्या बनता है। मैं वैसे पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास बनता क्या है, अल्कोहल, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की तरह प्रोडक्ट बनता है। सो हमारा रिएक्टेंट क्या, CH3CH2 ऑक्सीजन प्लस 3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब हम रिएक्शन करेंगे CH2OH प्लस H3BO3। अब होता क्या है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मैं इसी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने रिएक्टेंट क्या नोट कर लिया, यहाँ से ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ओके। उसके बाद होता क्या, NaOH के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, सो यहाँ पे OH नेगेटिव के साथ ये इधर अटैक करेगा, सो एक मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाएगा। अगेन कोई हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल होगा वो इस पे रिएक्ट करेगा यहाँ से और फिर यहाँ से। सो यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, CH3CH2CH2 O नेगेटिव आएगा। O नेगेटिव क्या करेगा, मीडियम से हाइड्रोजन लेके जो रिएक्शन मीडियम उससे एच पॉजिटिव लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बोरेन के अराउंड हो जाएगा OH, और जिसको हम लिखते हैं H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड प्लस हमारे पास बनेगी दिस वन इज प्रोपेनॉल, अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। सो ये थी हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन आपने देखा ट्राई अल्कोक्सीबोरेन बनता है और जब हम उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो हमारे पास ट्राई अल्कोक्सीबोरेन होता है उसके हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्म, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। मैं एक दो रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, सो से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, किस तरह के मॉलिक्यूल मैं यहाँ बनाऊँ, चलो हम ये लेते हैं। मैंने इसकी ये रिएक्शन करानी है, मीन्स BH3 और H2 हाइड्रोजन परोक्साइड और NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। सो अल्कोहल क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म आप खुद ट्राई करना, CH2CH2OH, ये मेरे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। और मैं कोई डिफरेंट अल्कोहल लेता हूँ, एक रिएजेंट क्या है मेरे पास, सेकंड क्या है,
जो पहला स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोबरेशन का, और जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का, और दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH2CH2OH, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो इसमें आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, मैंने तो नोटिस किया है, आपने नोटिस किया नहीं पता मुझे अभी, चलो अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जब मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाया था, जब मैंने मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस किया था, सो मैंने वहाँ पे फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। मैंने क्या फॉर्म की थी वहाँ पे? फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास वहाँ पे क्या बनी थी? मैंने एक इस तरह की आपके साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। मैंने किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी? अगर आपने इस ट्रांजिशन स्टेट में नोटिस किया हो कि जो BH3 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है वो डबल बॉन्ड के सिर्फ एक ही फेस पे होता है। एक ही फेस पे होने की वजह से जो बोरेन का जो एडिशन होता है एल्कीन में, वो होता है हमेशा सिन एडिशन। वो हमें तो हमेशा होता है सिन एडिशन, एंटी एडिशन नहीं होगा हमेशा। जो हाइड्रोजन और जो बोरेन का एडिशन होगा वो हमेशा सेम साइड से होगा, और सेम साइड से एडिशन होने का मतलब क्या होता है? जब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई एक ऐसा रिएक्टेंट दिया गया है जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मीन्स अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन, कुछ ग्रुप अगर वहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो हम उस केस में प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे? सो अब हम बात करते हैं सिन एडिशन की। अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास गिवन है, वो मैंने इसकी पहले हाइड्रोबोरेशन करानी है, पहले मैं इसकी क्या कराता हूँ? हाइड्रोबोरेशन कराता हूँ। सो हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा? BH2, मैं तीनों मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट ना करके सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन तो ये दो मॉलिक्यूल के और के साथ करेगा, दो मॉलिक्यूल मुझे अलग से बनाने पड़ेंगे। सो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, जब आप H2O2 NaOH के साथ रिएक्शन करोगे इसकी फर्दर, सो यहाँ पे क्या बनता है, एक बार मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन, मीन्स जो हाइड्रोजन और जो OH ग्रुप का एडिशन है वो सेम फेज पे होगा, मीन्स सिस प्रोडक्ट बनेगा। आपको इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना रैंडम, कभी आप प्रोडक्ट बना दो ऐसे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ पे CH3 दिखा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया और यहाँ पे OH दिखा दिया, सो आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पे अगर हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है फोर मेंबर, और उसमें जो एडिशन ऑफ BH3 ग्रुप है वो क्या हो रहा है? सिन मैनर में हो रहा है, सिन फैशन में हो रहा है, सिन एडिशन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि जो एडिशन होता है BH3 का वो सेम फेस से एडिशन होता है। एडिशन कैसे होता है? सेम फेस से एडिशन होता है। आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप BH3 मॉलिक्यूल का एल्कीन मॉलिक्यूल पे एडिशन करते हो हमेशा सेम फेस पे एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। सो ये हमारे पास, जब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, सो हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। इसमें आप मॉलिक्यूल कैसे भी यूज कर सकते हो, सपोज करो मेरे पास ये गिवन है, मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल यूज कर लेता हूँ, आपको लगे कि सर ने तो बुक से डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, और अगर मैं इसमें BH3 डालता हूँ, सेकंड में इसमें डालता हूँ
H2O2 के साथ NaOH। सो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा सिस स्टीरियो केमिस्ट्री में बनेगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ C2H5। ओके, हाइड्रोजन एच नेगेटिव किस कार्बन पे ऐड होगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, विच नंबर एच नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, हाइड्रोजन किस पे आके ऐड होगा, इस कार्बन पे आके ऐड होगा। और यहां पे होगा OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, वो इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे है, उस कार्बन पे वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पे नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, मैं वैसे मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री कराई है तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आता है चीज़ों को। जब मैं अबोव बिलो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, टोवर्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस वन इज टोवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस वन इज टोवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, सो जब मैं इसको अबोव बिलो दिखा रहा हूं तो वहां पे इस चीज से मैटर नहीं करता कि मैंने इस साइड हाइड्रोजन दिखाया, इस साइड ये अबोव द प्लेन दिखाया, बिलो द प्लेन दिखाया, किस तरह से दिखाया, उस चीज से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से वहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब आपने उसकी पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर दी, अब उसको कैसे भी दिखाऊं, मैं इसको यहां पर भी दिखा सकता हूं, मैं इसको यहां पर भी दिखा सकता हूं। अगर मैं ऐसे दिखाता हूं C2H5 को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसका मतलब क्लियरली अंडरस्टूड है कि जो C2H5 ग्रुप है वो अबव द प्लेन है या अब टोवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। सो अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री कहीं पे मेंशन कर दी तो उन चीज़ों से फिर वहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सो जो हमने रिएक्शन स्टडी की वो की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो दिस वन इज द रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन में हमने अलग से उसको डिस्कस किया, बोरेशन को अलग से डिस्कस किया, और फिर बाद में हमने हाइड्रोबोरेशन को अलग से डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन को अलग से डिस्कस किया, और फिर हमने दोनों को कंबाइन किया और हमारे पास जो रिएक्शन बनी वो बनी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी अच्छे से, क्योंकि मैंने उसमें दो तीन एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किए। थोड़े बहुत और एग्जाम्पल जब आप किसी बुक से ट्राई करोगे आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता ब्लैक बोर्ड पे, मैं आपको मैकेनिज्म या रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है या रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसके जो बीच के कंसेप्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या मैं आपके साथ आपके वो क्लियर कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।